हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रेडिट ग्रुप। आज दोस्तों सॉलिड वर्क के अंदर हम सीखेंगे जूम, पैन एंड रोटेट कमांड के बारे में। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप हमारी वीडियोस को देखें तो ऑनलाइन पूरा देखें ताकि हमारे चैनल के ऊपर वॉच टाइम इंक्रीज हो सके और उससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिल सके। एंड थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले हम जूम कमांड यूज़ करना सीखते हैं। तो जूम कमांड को यूज़ करने के लिए हम मिडल माउस बटन का यूज़ करते हैं दोस्तों। जब हम मिडल माउस बटन को स्क्रॉल करेंगे आगे की तरफ तो हमारा ऑब्जेक्ट जूम आउट होगा, और जब आप मिडल माउस बटन को पीछे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जूम इन होगा। अगर आपको ये सेटिंग रिवर्स करनी है कि हम जब मिडल माउस बटन को आगे की तरफ स्क्रॉल करें तो हमारा ऑब्जेक्ट जूम इन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ऑप्शन के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन होता है रिवर्स माउस व्हील डायरेक्शन, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब जब हम मिडल माउस बटन को स्क्रॉल करेंगे आगे की तरफ तो हमारा ऑब्जेक्ट जूम इन होगा, और जब पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इसे तो हमारा ऑब्जेक्ट जूम आउट होगा, जो कि हम ऑटो गाइड के अंदर भी यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके कर्सर की पोजिशन भी इम्पोर्टेंट है जूम इन जूम आउट के अंदर। आपका कर्सर जहाँ पर होगा वहीं से हमारा जूम इन जूम आउट स्टार्ट होगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर जूम इन करेंगे तो यहाँ पर जूम इन होगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी टाइम दूर चला जाता है और विजिबल नहीं हो पाता जूम आउट करने पर भी। तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है जूम टू फिट की। राइट क्लिक करेंगे तो जूम टू फिट का ऑप्शन यहाँ पर भी है, और साथ में हमारे पास जूम टू फिट का ऑप्शन यहाँ पर भी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट जैसे हमें यहाँ पर जूम करना है तो इसको जूम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमारे कर्सर को इधर लेके जाएंगे, मिडल माउस बटन को स्क्रॉल करेंगे और इस एज के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को जूम इन कर सकते हैं दोस्तों। अब वापस ही जूम टू फिट कर लेते हैं तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है दोस्तों जूम के अंदर, जूम टू एरिया का आता है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारा जूम टू एरिया, और यही ऑप्शन आपको इधर भी मिलेगा। तो इसका यूज़ दोस्तों हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया को जूम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक को हम दबाए रखेंगे और जहाँ तक हमें जूम करना है वहाँ तक हमारे कर्सर को लेके जाएंगे और फिर लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे अगर आपको लास्ट व्यू के ऊपर जाना है जो आपने जूम किया हुआ था उस व्यू के ऊपर, तो उसके लिए एक यहाँ पर कमांड होती है प्रीवियस टू व्यू की। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वापस ही हमारा प्रीवियस व्यू शो कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये हमारा एक व्यू हो गया। तो अब जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, जूम टू एरिया करता हूँ और इस एरिया के ऊपर जूम कर लेता हूँ, तो हमारा जो प्रीवियस व्यू है उसके ऊपर अगर हमें चलना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस व्यू आ गया, और अब जूम टू फिट करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल हो गया। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पर जूम इन जूम आउट का। इसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास, शिफ्ट की को दबाए रखिए और मिडल माउस बटन को साथ में दबाइए और कर्सर को मूव कीजिए आगे और पीछे की तरफ, तो ये हमारा जूम इन जूम आउट होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम जूम कमांड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड आती है दोस्तों पैन की, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे पैन करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल की दबाएंगे और मिडल माउस बटन दबाएंगे तो हमारी ये पैन कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट का व्यू है इसको मूव कर सकते हैं ड्राइंग एरिया के अलोंग। ओके, अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी पेन कमांड हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हम पेन कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों रोटेट का, कि हम व्यू को कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को अगर 3D व्यू में देखना है तो उसके लिए आप मिडल माउस बटन दबाइए और यहाँ पर कर्सर को मूव कीजिए तो आप यहाँ पर 3D व्यू देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का। मगर इसके अंदर हम स्मूथली रोटेट नहीं कर पाते काफ़ी टाइम, तो स्मूथली रोटेट करने के लिए हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर रोटेट अबाउट स्कैन फ्लोर का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आप रोटेट कीजिए तो आप देख रहे होगे ये हमारा ऑब्जेक्ट स्मूथली रोटेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर अनटिक कर देते हैं, अब अगर रोटेट करते हैं तो आप देख रहे होगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलग ही एंगल में रोटेट हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर रोटेट अबाउट स्कैन फ्लोर करके रोटेट करेंगे तो हमें जो एंगल चाहिए हमारे व्यू के अंदर वो हम सेट कर सकते हैं रोटेट करके। ओके, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पर रोल व्यू। राइट क्लिक करेंगे, रोल व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर रोल व्यू का यूज क्या होता, यह हमारे व्यू को रोटेट करेगा सिर्फ दो एक्सिस में, ये 3D रोटेट नहीं करता, ये सिर्फ 2D रोटेट करता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इस कमांड से बाहर निकलना है तो हम एस्केप की दबाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय, टेक केयर।